इन टूडेज वर्कआउट वी विल बी ट्रेनिंग आवर शोल्डर्स। नाउअडेज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो लोग सिंपल शोल्डर वर्कआउट को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, वो लोग एक ही एक्सरसाइज के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन करते हैं, लीडिंग टू लेस ग्रोथ एंड मोर प्रोन टू इंजरीज। सो आप ये गलतियां ना करें और अपने वर्कआउट सेशंस को एज सिंपल एज पॉसिबल रखें। टुडे वी विल मोर एम्फसाइज ऑन द पोस्टीरियर डेल्ट और द रियर डेल्ट। हमारा शोल्डर थ्री हेड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, विच आर योर एंटेरियर यानी फ्रंट, योर लेटरल यानी साइड एंड योर पोस्टेरियर यानी रियर। हियर अगर आपको अपने शोल्डर के अंदर एक 3D लुक चाहिए तब आपको इन तीनों ही हेड्स को एक साथ ट्रेन एंड डेवलप करना पड़ेगा। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 4 वर्कआउट्स जो आपके शोल्डर को एक एस्थेटिक लुक देंगे। जस्ट कीप इट सिंपल, कीप इट टाइट। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो 3 लीटर फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूं हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड रियल एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए मेरी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। हमारे शोल्डर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज आती है डंबल प्रेस। डंबल प्रेस इज वन ऑफ माई फेवरेट शोल्डर वर्कआउट्स एज इट इज अ कंपाउंड एक्सरसाइज। मतलब जब हम लोग डंबल प्रेस परफॉर्म करते हैं तभी हमारे शोल्डर के तीनों ही हेड्स यानी फ्रंट, साइड एंड रियर, इन तीनों डेल्ट्स को एक साथ एक्टिवेट करती है और इनके अंदर काफी अच्छा डेवलपमेंट दिखने मिलता है हमें। नाउ जब आप डंबल प्रेस करोगे तब आपको एक बेंच का यूज करना है जिससे हमारे स्पाइन और लोअर बैक के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेन नहीं आए और हमारा लोअर बैक किसी भी तरह के इंजरीज से सेफ हो जाए। वाइल परफॉर्मिंग डंबल प्रेस आपको बेंच का सपोर्ट लेना है पीठ से और अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ पुल करना है। नाउ आपके दोनों आर्म्स 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे एंड लिफ्ट करते समय हमें फुल रेंज ऑफ मोशन का यूज करना है, यानी आपको अपने दोनों हाथों को पूरा ऊपर उठा देना है। ऐसा नहीं कि आधा उठाया और वापस ले आए गिनती बढ़ाने के लिए, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। सो फुल रेंज ऑफ मोशन करना है। जब लिफ्ट करोगे टोटल एक्सटेंड होने के बाद हमें अपनी शोल्डर को स्क्वीज करना है ऊपर जाके, होल्ड करना है 1 सेकंड के लिए, और वापस जब हम लोग नीचे आएंगे तब अपने शोल्डर को हल्का सा स्ट्रेच करना है और 1 सेकंड होल्ड लगाना है। पॉइंट टू बी नोटेड, जब हम लोग लिफ्ट करेंगे तो हमें ब्रीद आउट करना है, सांस बाहर छोड़नी है, और जब हम लोग वापस नीचे आएंगे तब ब्रीद इन करना है, सांस लेनी है। इससे होगा क्या, आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन आपके शोल्डर मसल्स पे रहेगा और आपका कंट्रोल रहेगा आपके वर्कआउट के ऊपर। देखो वेट्स शुडंट कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल द वेट्स। अब जान लो आपको डंबल प्रेस करना कितना है। सो आपको इसके 10-12 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं और इनके सेट लगेंगे 4, और इस सेट के बीच में रेस्ट होगा 1 मिनट का। हमारी सेकेंड शोल्डर एक्सरसाइज है डंबल लेटरल रेजेस। एज वी ऑल नो डंबल लेटरल रेजेस हमारे साइड डेल्ट को टारगेट करती है, और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से हमारे साइड डेल्ट के अंदर काफी अच्छा एक्टिवेशन देखने मिलेगा हमें। पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाइल परफॉर्मिंग लेटरल रेजेस हमें अपने मसल एंड माइंड कनेक्शन के ऊपर काफी अच्छे से ध्यान देना है। नाउ बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो लोग लेटरल रेजेस करते समय शोल्डर हाइट से भी ऊपर अपने हाथों को ले जाते हैं, विच इज नॉट नेसेसरी। जब आप शोल्डर हाइट पे लेके आते हो अपने आर्म्स को तब हमारा साइड डेल्ट एक्टिवेट हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ लिफ्ट करते समय तो काफी कंट्रोल वे के अंदर स्लो एंड स्टेडीली लिफ्ट करते हैं, बट जब नीचे आते हैं तो झटके से हाथ को छोड़ देते हैं, लेट द ग्रेविटी डू इट्स वर्क। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको स्टेडीली ही नीचे आना है, अपने मसल्स पे कंप्लीट कंट्रोल रखना है। इससे होगा क्या, आपको डबल बेनिफिट होगा। फर्स्ट वाइल्ड लिफ्टिंग हमारा जो साइड डेल्ट है उसकी एक्टिवेशन हो रही है, और जब हम लोग नीचे आते हैं तब उसके अंदर काफी अच्छा स्ट्रेच आता है। सो बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग एट द सेम टाइम। और बहुत जन पूछते हैं कौन से पेस पे वर्कआउट करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा अगर आपको प्रॉपर एक्टिवेशन एंड ग्रोथ देखनी है तो स्लो टू मीडियम पेस पे वर्कआउट करें, और अगर ईगो लिफ्टिंग करनी है और काउंटिंग इंक्रीज करनी है तो हाई पेस पे वर्कआउट करो, जिसके अंदर हमें कोई गेंस देखने नहीं मिलते हैं। तो अब जान लो आपको डंबल लेटरल रेजेस करने कितने। आपको डंबल लेटरल रेजेस के 10-15 रेपिटेशंस लगाने हैं और इनके सेट लगेंगे 3, और इच सेट के बीच में आपको रेस्ट लेना है टू मैक्सिमम ऑफ 30 सेकंड्स। 30 सेकंड से ज्यादा का नहीं लेना। हमारे शोल्डर्स की थर्ड एक्सरसाइज आ जाती है बार अपराइट रो। वाइल परफॉर्मिंग अपराइट रो आपने शोल्डर के एंटीरियर विच इज योर फ्रंट डेल को टारगेट करोगे, जिससे इसके अंदर काफी अच्छा एक्टिवेशन देखने मिलेगा और इसके अंदर डेवलपमेंट भी होगी।
नाउ इस वर्कआउट के अंदर हमारी ग्रिप बहुत वाइटर रोल प्ले करती है, एज अगर आपकी ग्रिप ज़्यादा वाइड हो गई तब प्रॉपर एक्टिवेशन देखने नहीं मिलेगा हमें फ्रंट डेल्ट के अंदर, और अगर काफ़ी ज़्यादा क्लोज ग्रिप आपने ले ली तो हमारे शोल्डर के अंदर स्ट्रेन आ जाएगा, दस लीडिंग टू इंजरीज। तो फॉर योर सेफ्टी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बार पे जो ग्रिप लेंगे वो आपके शोल्डर वाइड से 2 inches आउटसाइड होगी, दस अ बिट ऑफ वाइड ग्रिप, जिससे आपके फ्रंट डेल्ट के अंदर काफ़ी अच्छा एक्टिवेशन देखने मिलेगा और उसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग मूवमेंट फील होगी आपको। नाउ अपराइट रो परफॉर्म करते समय फॉर ऑप्टिमम रिजल्ट्स आपको कंप्लीट मसल फेलियर तक जाना है, मतलब जब आप एक और रेपिटेशन इसका नहीं निकाल सकते तब तक आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। सो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट दिखेगी अपने शोल्डर के अंदर, और जो एस्थेटिक लुक है, जो 3D लुक होता है हमारे शोल्डर्स के अंदर जो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, उसे अचीव करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो अब जान लो आपको अपराइट बारबेल रो परफॉर्म कितना करना है। आपको इस एक्सरसाइज के 15 रेपिटेशंस लगाने हैं और इसके सेट होंगे 3। नाउ यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड सेट के अंदर आपको 15 रेपिटेशंस का रिकॉर्ड रखना है एंड थर्ड सेट के अंदर कंप्लीट शोल्डर मसल फेलियर तक जाना है फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, और इनके सेट्स के बीच में रेस्ट होगा 1 मिनट का। सो हमारी फोर्थ शोल्डर एक्सरसाइज आ जाती है ओवर द हेड प्रेस। हियर जस्ट लाइक डंबल प्रेस, ओवर द हेड प्रेस यानी मिलिट्री प्रेस भी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शोल्डर वर्कआउट है, एज इट इज ऑल्सो कंपाउंड शोल्डर एक्सरसाइज, मतलब ये भी हमारे ऑल 3 हेड्स को एक साथ ट्रेन एंड टारगेट करता है, बट इट पुट्स मोर एम्फेसिस मोर एफर्ट ऑन द रियर डेल्ट। प्रॉपरली ट्रेनिंग एंड एक्टिवेटिंग आवर रियर डेल्ट हमारे ओवरऑल शोल्डर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ ये इंजरीज के चांसेस को भी कम कर देता है। और डोंट फॉरगेट द 3D इफेक्ट, एज जैसे जैसे ये तीनों ही हेड्स अच्छे से डेवलप होंगे वैसे वैसे हमारे शोल्डर के अंदर कर्व्स आएंगे, स्ट्रक्चर आएगा, दस गिविंग इट अ 3D इफेक्ट। टू अचीव ऑल दिस मैं आपके साथ ओवर द हेड प्रेस करने के लिए कुछ की पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहले बार के ऊपर ग्रिप कैसे लेनी है। सो हमें बार पे ग्रिप शोल्डर वाइड पे लेनी है, यानी हमारे शोल्डर्स के ठीक नीचे और उससे 2 inches आउटसाइड, मतलब हल्का सा वाइड ग्रिप में रहेगा फॉर एक्टिवेटिंग द रियर डेल्ट। नाउ सेकेंड थिंग, जब हम लोग लिफ्ट करेंगे तब ब्रीद आउट करना है, जब वापस नीचे लाएंगे तब ब्रीद इन करना है। वाइड ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब जान लो आपको ओवर द हेड प्रेस करना कितना है। सो आपको मिलिट्री प्रेस के 10-12 रेपिटेशंस लगाने हैं, इनके सेट लगेंगे 4 और इनके बीच में रेस्ट होगा 1 मिनट का। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर फुल बॉडी वर्कआउट की प्लेलिस्ट चल रही है, वो आप देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।